हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। LIC ADO रिजल्ट डेट के रिगार्डिंग काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि मेंस के एग्ज़ाम डेट जो है, जब नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था तभी 8 अप्रैल को एग्ज़ाम शेड्यूल थे, लेकिन उसमें चेंजेस आए और इसको एक्सटेंड करके 23 अप्रैल को शेड्यूल किया गया है। अगर 8 अप्रैल को रहता तो अभी तक में रिजल्ट आ गया होता। 23 अप्रैल को शेड्यूल्ड है, इसलिए आप रिजल्ट जो है ना फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो भी 3 तारीख के बाद ही काफ़ी चांसेस हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो। उसका रीज़न ये भी है कि अभी जो रिसेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, मेंस के एग्ज़ाम डेट और प्रीलिम्स के रिजल्ट में काफ़ी दिनों का अंतर नहीं रहता, बहुत कम दिनों का गैप दिया जाता है। चूंकि LIC ADO है तो मेरे अकॉर्डिंग 15 से 20 दिनों का गैप ये देंगे, लेकिन रिसेंट में अगर आप सिर्फ रिजल्ट डेट का वेट करके आपने अपनी तैयारी को रोक रखा है तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड है। जैसा कि आप लोग देखें कि आपने FCI के एग्ज़ाम्स में मात्र 3 दिन का समय दिया गया मेंस के लिए, तो इसका वेट ना करें, आप प्रिपेयर करें। और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपके जो रिज़ल्ट है 3 अप्रैल के बाद, यानी कि 3 अप्रैल के बाद आपको कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में आपको रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस वीक के काफ़ी कम चांसेस हैं और रिज़ल्ट जो है ना हम लोग अगले वीक में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 के बाद। तो चलिए हम लोग वेट करते हैं रिज़ल्ट का। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि आप लोग रिज़ल्ट का वेट ना करें, मेंस की प्रिपेयर करें, मॉक जरूर दें, मॉक को अच्छे से एनालाइज करें। और सबसे यहाँ पे वेटेज जो है ना वो करेंट अफेयर्स और इंश्योरेंस अवेयरनेस का है। लेवल ऑफ़ एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूँ तो लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं आने वाला, मॉडरेट रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो और इंग्लिश हो। आपको मेन गेम चेंजर करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस अवेयरनेस ही होने वाली है, तो आप इंश्योरेंस अवेयरनेस को बहुत डीपली पढ़िए, चाहे आपने पेड लिया हो चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो। मैंने आपको बताया भी था कि IC38 का आप PDF डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हैं। आप इंश्योरेंस अवेयरनेस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, तब आप अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अवर वीडियोज़। बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू, जब भी रिजल्ट आए आपके फेवर में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अवर वीडियोज़।